गिरकर पाताल तक तुम मानवता की नजर में कब तक नारी के मान का यूं तिरस्कार करेगा? ए मानव, इंसानियत को तू कितना शर्मसार करेगा? ये चंद पंक्तियां किस कवि की है ये तो नहीं जानता, लेकिन इस वीडियो में जो कहानी आगे आपको सुनाने जा रहे हैं उस पर ये पंक्तियां एकदम सटीक बैठती है। कभी चौराहे पर सरेराह किसी लड़की को चाकुओं से गोद दिया जाता है, कभी सड़क पर निर्वस्त्र कर महिलाओं का मार्च पास किया जाता है, तो कभी बस छोटी सी नोक झोंक के बाद लड़की के मुंह पर एसिड फेंक दिया जाता है। ये सब कोई काल्पनिक कहानियां नहीं बल्कि ये सच्ची घटनाएं हैं, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि घटनाएं किसी बाहरी देश में नहीं बल्कि हमारे भारत देश में हुई है। वही भारत जो धर्म निरपेक्षता की मिसाल है, वही भारत जिसकी दरियादिली के किस्से विदेशों में सुनाए जाते हैं, लेकिन मौजूदा हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। गौर से और कान खोल कर सुनिएगा, ऐसी ही एक और कहानी मध्य प्रदेश की इंदौर से सामने आई है, जिसे सुनकर देखकर इंसानियत पर से आपका भरोसा उठ जाएगा, जिसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। उज्जैन की एक कॉलोनी, वक्त सुबह 6 बजे। एक डरी सहमी मासूम लड़खड़ाते हुए आती दिखती है। उम्र करीब 12 से 15 साल के बीच है। बदन पर आधे अधूरे कपड़े पहने हैं। शरीर के निचले हिस्से से खून बह रहा है। 12 साल की इस मासूम के साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। रोते हुए ये मासूम चले जा रही है, किसी सुनसान रास्ते पर नहीं बल्कि एक कॉलोनी में जहां इंसानों का बसेरा है। लेकिन इंसानियत आज कितनी जिंदा है इसका सबूत यहीं देखने को मिला। मासूम लड़की रोते बिलखते हुए चली जा रही है, लेकिन उसकी मदद को कोई आगे नहीं आया। हाँ, कुछ पैसे लोगों ने हाथ में जरूर थमा दिए, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि उस मासूम से उसका हाल पूछ ले, अधढके बदन को ढकने के लिए कोई कपड़ा दे दे। लड़की 8 किलोमीटर बदहवास सी पैदल चलती रही। 2 कॉलोनी, 2 ढाबे और टोल नाके से गुजरी, मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब दांडी आश्रम पहुंची तो वहां के रहने वाले राहुल शर्मा मासूम की हालत देख हैरान रह गए। उन्होंने उसका हाल चाल जाना, लेकिन वो ऐसी हालत में नहीं थी कि अपना दर्द बयां कर पाए। राहुल ने लड़की को अकेले छोड़ना सही नहीं समझा, उसकी हालत देख उनका दिल पसीज गया। उन्होंने पहले तो लड़की को पानी पिलाया, खाना खिलाया और फिर डायल 100 को मामले की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ये घटना 26 सितंबर से पहले की बताई जा रही है। आप पुजारी राहुल शर्मा से ही सुन लीजिए उस दिन क्या कुछ हुआ था। तरन लिया, देखा कि एक बालिका जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं कर रखा है, अपनी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने तुरंत, जैसे भी आप देख रहे हैं वीडियो में कि ऊपरी वस्त्र ही धारण कर रखा है, उसी प्रकार एक ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा था, मैंने तुरंत अपना वस्त्र निकालकर उस बालिका को दिया, जिससे उसने अपना शरीर ढका। फिर मैंने अपना वाहन रोक करके वहीं स्टॉप पर स्पॉट पर खड़े होकर के तुरंत ही उस बालिका से पूछा कि तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। उसकी आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, आंखें उसकी बिल्कुल भरा रही थी, बार बार वह अपने शरीर से लड़खड़ा रही थी, मेरी आंखों से देखा नहीं गया। मैंने उससे पूछा कि बहन, आपकी हालत किसने करी है और कौन है, तुम्हारे माता पिता कहाँ है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो, कब से इस क्षेत्र में हो। लेकिन वह बालिका अपनी ही भाषा में कुछ बोल रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। बार बार वह कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। 2-3 बार मैंने पेन कापी भी उसके हाथ में दिया कि यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तुम बोल नहीं पा रही हो तो इसमें लिख करके कुछ बताओ, यदि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर जानती हो तो। मेरे मोबाइल का मैंने कीपैड निकाल करके दिया कि इस पे लगा करके बात करो, या आप पेन डायरी में लिख करके मुझे बताओ। लेकिन वह बालिका उस विषय में मेरी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने उससे पूछा कि बेटा भूख लग रही है, उसने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है, ऐसे हाँ का उसने संबोधन किया। मैंने तुरंत अपने आश्रम में जो स्वल्पहार में दलिया नमकीन बना था वो बुला करके उस बालिका को दिया खाने के लिए, चाय पिलाई, जल पिलाया, कुछ नकदी पैसे भी उसको मैंने सहयोग रूप में दिए। लेकिन मेरा विश्वास माना नहीं कि मैं इसको सुनी छोड़ दूँ, इसलिए मैंने तुरंत हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल किया। 2 बार मेरा वहाँ कॉल कट हुआ,
तीसरी बार हमने महाकाल प्रशासन महोदय में कॉल किया, वहां से हमें महाकाल थाने का नंबर मिला, महाकाल थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई, वहां से उन्हें पुनः मुझे 100 कॉल पर संपर्क बनाने के लिए कहा, 100 कॉल पर किया, वहां से पुलिस की गाड़ी करीब 20 मिनट के में मेरे पास पहुंची। उस बालिका को मैंने पुलिस प्रशासन के हवाले सुपुर्द किया ताकि आज वह बालिका सुरक्षित है। जी हाँ, अगर राहुल शर्मा ना होते तो शायद ही इस घटना के बारे में आपको और हमें पता चलता। बहरहाल पुलिस ने दुष्कर्म आरोपी ऑटो चालक को पकड़ लिया है। हर बार की तरह पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, लेकिन ये आक्रोश महज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही दर्ज हो पाता है। जब हमारे गली मोहल्ले में इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो हम मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। पुलिस प्रशासन सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे, इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जा सके, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हमारी जिम्मेदारी क्या? जवाब तलाशना शुरू कर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।